ओके ओके सर थैंक मैम, आपके घर आई थी यू। जो आपने मेरे को पिकअप भेजी थी अपनी मम्मा के साथ? अभी नहीं बच्चा, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों, आई होप आप सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस भी आ गया होगा, ठीक है ना। ओके एंड यस सर। बच्चों देखो, आज आज का जो टॉपिक है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोज का प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ाई किया था, है ना। और बच्चों प्रिपरेशन पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था सर, या मैंने थोड़ा वेट कर, हाँ सब करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो एक एक क्लास और कोई दिया, नहीं था, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो बच्चा। सर कुछ ओके नहीं। तो एक काम करो, सबसे पहले बच्चा अभी फिलहाल इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझ के, बिकॉज ये आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे। सर ओके ये एनसीईआरटी का ना? हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का है, कुछ कुछ पार्ट मैंने एनसीईआरटी के लिए, कुछ कुछ मैंने अलग पार्ट से लिया, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा देख देख के समझना और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है ना। अब यस देख सर। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के प्रिपरेशन के बारे में बात किया था। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो हम ग्लूकोज, बच्चों हम बेसिकली दो मेथड से बना देते हैं, एक तो सुक्रोज है। तो बच्चों जैसे आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइज कर लिया तो क्या बना, आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या था बच्चों, आप या आप कहोगे फ्रॉम स्टार्च। अब बच्चों जब आपने स्टार्च लिया, उसको हाइड्रोलाइज किया और उसको डायलूट एसिटाइल के एसिड के आपने बॉईल किया उसको अंडर प्रेशर, तो क्या हो बच्चों, आपको वहां पे आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बेसिकली बच्चों जब भी आपके सामने ग्लूकोज का बारे में पूछा जाए या आपको एग्जाम में ग्लूकोज के बारे में, तो आपके सबसे पहले आप लिखोगे, पहले आप लिखोगे C6H12O6, देखिए बच्चों ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मतलब कि फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब बच्चों जब भी आपको इसका एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हो बच्चों तो इसको मत लिखना, है ना। तो कैसे लिखो बच्चों, लिखो ध्यान ध्यान दो, कैसे बता दो, देखो सबसे पहले आप लिखो एल्डिहाइड ग्रुप, एक ग्रुप आ गया। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे यहाँ पे लिखो CHOH, क्या लिखो बच्चों CHOH लिखोगे, और कितना बार लिखोगे बच्चों, लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 4 टाइम्स, कितना हो रहा बच्चों यहाँ पे आपका 4 टाइम्स आ जाएगा। फिर क्या बच्चों करोगे, फिर बहुत सिंपल बात है, लास्ट में आप लिखोगे CH2OH, ये आपका CH2OH आ गया। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप कहोगे ना बच्चों इसको लॉन्ग फॉर्म लिखना है तो कैसे करोगे, अगेन ये भी आपका बहुत सिंपल है, आप ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है ना, उसमें आप 1 2 3 और ये 4 लाइन ड्रॉ करना, क्या बच्चों ये 4 लाइन ड्रॉ करोगे, फिर क्या हो बच्चों होगा। अब देखो ऊपर आप लिखना एल्डिहाइड ग्रुप, ऊपर आपके एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो क्या रहे बच्चों राइट साइड में लिखना OH, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखना H, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका H लिखना, यहाँ पे आप लिखना OH, फिर यहाँ पे OH, अगेन H, अगेन OH, और यहाँ पे अगेन H, और लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे CH2OH। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। क्या यहाँ पे अभी तक किसी बच्चे को डाउट है, यहाँ तक नहीं ना। अगर हाँ सबको ये सर। पार्ट समझ में आ रहा है तो आप आराम से थम्स अप दे सकते हो, हाँ आगे कर सकते हो। ओके अब बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स सीखेंगे, जैसे कुछ बच्चों कल कहा था जब बात करते क्या बच्चों, ये होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, आज कराऊंगा मैं करूंगा। दूसरा पार्ट के बच्चों हम बात करेंगे आपका कायरल सेंटर के बारे में, इसके बारे में बच्चों हम कायरल सेंटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और बाकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप ग्लूकोज के बारे में ध्यान रखोगे उसमें कितना कायरल सेंटर आएगा बच्चों, वहां पे आपका 4 कायरल सेंटर आएगा, कितना है बच्चों आएगा यहाँ पे आपका 4 कायरल सेंटर आएगा। अब आप बोलोगे एक कायरल सेंटर क्या होता है, तो मैं क्या बोला बच्चों,
अगर आपका कार्बन में चार डिफरेंट अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं तब उसे क्या बोलेंगे, हम उसे कायरल कार्बन कहेंगे, और जहां पे पॉइंट है उसे हम उसे कायरल सेंटर कहेंगे। अब पहला कायरल सेंटर दो बच्चे, क्या देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं ये पहले कार्बन की बात करूं, मतलब कि सेकंड कार्बन की बात करूं, तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे यू ग्रुप अलग है, OH अलग है, H अलग है, और क्या बचा होगा, आप ही बोलोगे ये पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बच्चों, ये पूरा एक अलग ग्रुप है, तो क्या बचा होगा, ये आपका फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, उस कार्बन पे आपका चार डिफरेंट अलग ग्रुप्स हैं, तो हम उसे क्या वाले कहेंगे, हम उसे कायरल कार्बन कहेंगे। तो बच्चों ग्लूकोस में कितना कैरल सेंटर है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे चार कैरल और सेंटर है। कौन सा बच्चों, देखो ये पहला वाला जो स्टार मार्क है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा कैरल सेंटर, और ये आपका चौथा कैरल सेंटर। अभी आपके माइंड में यह आ सकता है, सर ये कैरल सेंटर क्यों नहीं है, बिकॉज आप ये बोलोगे सर एक ही कार्बन पे आपका दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन सेम आ गया, तो आप क्या बोलोगे जो लास्ट है वो आपका कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यस सर, मैंने अभी क्या बोला बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसमें आपका चार कायरल कार्बन है, मतलब चार कायरल सेंटर है। और मैंने क्या बोला बच्चों, आपको ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, जब भी हम कार अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो क्या बचोगा, वो ऑटोमेटिक आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। क्या बने बच्चों, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। तो सारे बच्चे इतना पॉइंट जो बच्चों उसको नोट डाउन कर लो पहले, कि बच्चों आपका चार कायरल सेंटर के बारे में और वो आपका ऑप्टिकल ऑर्बिटल पार्ट है, और जो आपका हम बात करते ना डी क्या होता है, एल क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, वो मैं अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ। यस सर, वर्ण, केशव, तनिका, यामिनी, शिवान, सुजल, अंकिता, आ रहा है ना यस अच्छे सर, से, यस सर, यस सर, यस यस सर। तो बच्चों इतना पार्ट मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया। सर जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है ये क्यों नहीं है चायल? अच्छा अब एक कार क्यों नहीं है, अब बच्चों ये दो, ये अगर जो हम एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों, एल्डिहाइड कैसे बच्चा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा ग्रुप है ना, तो ये आपका डबल बॉन्ड इसमें आ जा रहा है। तो बच्चों जो आप जब हम कायरल कार्बन की बात करते हैं वो खाली आपका सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में आता है, अभी के लिए ये खाली आपका सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में आता है अभी अभी के लिए, आप इतना ध्यान रखो, यस सर, अभी के लिए आप इसको ध्यान रखो। तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप ना, तो ये खाली आप जब भी आपके ना कायरल कार्बन दिखोगे आपको हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है बच्चा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा देखो, जब भी आप इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना बच्चा देखो, और हाँ अगेन बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है खासकर ग्लूकोस का जो पार्ट है, डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, वो तो एग्जाम आता है नो डाउट, लेकिन बच्चों ये जो पार्ट है ये आपके एग्जाम में चांस बहुत अच्छा चांस है। जितना भी हमने पढ़ा पढ़ा उसमें से 80% क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, जो ग्लूकोज पर उसी पार्ट से आता है, तो इसको आप समझ समझ के पढ़ना, सच बता रहा हूँ। ओके चलो, अब बच्चों पहला पार्ट क्या है, ग्लूकोस वाले पूरे से कि स्ट्रक्चर वाले से? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का प्रिपरेशन क्वेश्चन आते हैं जहां तक हमने अभी देखा है क्वेश्चन में, बाकी से भी आएगा उसमें ग्लूकोज लिंक हुआ, डोंट वरी, ठीक बता, वो हम धीरे धीरे करेंगे अभी। तो बच्चा क्या होगा, अभी क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल, दैट इज C6H2O6, ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, अब हमने ये देखा कि हम जस्ट अभी हमने ऊपरी में देखा कि क्या बच्चों, ग्लूकोज से क्या बच्चों था, ग्लूकोज से आपका एकदम ये आपका एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन में था, राइट,
ये आपके एकदम स्ट्रेट यस कार्बन चेन में था, ये आपके एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन में था। तो मैं इसको यहाँ पे अगेन पेश करता हूँ तो आपको और अच्छे समझ पाए, है ना, स्ट्रेट कार्बन चेन में था। इस ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं फिशर पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं फिशर, सॉरी, इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जो भी हम ऐसे लाइन में दिखाते हैं हम इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बच्चों, इन्होंने ये दिखाया, अगर हम जब भी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का फाइंड आउट कर रहे थे तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड यूज किया। तो पहला मेथड क्या था बच्चों, कि जब उन्होंने ग्लूकोज को अच्छाई से रिएक्ट किया, मतलब कि हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट किया, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें एनहेक्सेन मिला। और कैसा बच्चों, ये आपका कार्बन कार्बन सिंगल चेन लॉन्ग चेन था। इससे ये पता चला कि ग्लूकोज में जो कार्बन जुड़े हुए हैं कैसे बच्चों, वो भी आपका बैक टू बैक लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, ऑन हीटिंग विद एच आई इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। इससे क्या पता चला, इससे ये पता हमें ये चला कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है एटम से कैसे बच्चों, वो आपका स्ट्रेट चेन में आपका लिंक्ड है। इससे हमें ये पता चला। तो ये आपका पहला पॉइंट है। तो जब आपने ग्लूकोज को हीट किया अच्छा से, तो क्या बना आपका, ये आपका एनहेक्सेन बना। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, ये पहला पॉइंट समझ, सबको समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, जैसे आप देख पा रहे होगे कि ग्लूकोज में क्या बच्चों, ग्लूकोज में आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अब बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप तो है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे कि आपका एक कार्बोनिल कार्बन होता है। ये इसे हम क्या बोले बच्चों, इसे हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, दैट इज NH2OH के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ से आपका वाटर निकल गया और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बना। तो बच्चों हमने ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कार्बन और नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? देखो सपोज करो यहाँ पे आपका एक एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है और नीचे आपका पूरा कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये समझो बच्चों, ये पूरा आप ग्लूकोज चेन है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये पार्ट और यहाँ से आपका दो ये पार्ट निकल जाएगा, वाटर बन गया, क्या बने बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड एन ओ एच, क्या बना बच्चों देखो क्या बना, यहाँ पे आपका बना कार्बन एच डबल बॉन्ड एन एच, ये बना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं ऑक्साइन, इसे हम ऑक्साइन कहते हैं। तो हमें ये पता चला कि ग्लूकोस, ग्लूकोस में क्या बच्चों, ग्लूकोस में आपका एक कार्बोनिल कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका पहला मेथड था, हमने इसको डिटेक्ट किया। अब आप बोलोगे सर फिर दूसरा मेथड क्या था, तो दूसरा मेथड क्या बच्चों किया, हमने उसको हीट किया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो बच्चों जैसे मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से हीट किया तो क्या बना, जैसे यहाँ पे आपका कार्बोनिल कार्बन था, जैसे यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, अब यहाँ पे क्या बच्चों होगा, यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा। आप बोलोगे कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका HCN पार्ट है, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो बच्चों CN नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, CN नेगेटिव जाएगा कार्बन के पास, कार्बन पे जाएगा H के पास। तो क्या बन रहा है बच्चों, ये आपका ये कंपाउंड बन रहा है, एक कंपाउंड क्या बच्चों, इसे हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे हम इसे, कहेंगे साइनोहाइड्रिन। इससे हमें ये पता चलता है ग्लूकोस में क्या बच्चों, ग्लूकोस में आपका कार्बोनिल कार्बन है। क्या बच्चों, ग्लूकोस में आपका कार्बोनिल कार्बन है, हमें इससे पता चला। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, अगेन बोल रहा हूँ, यस सर, काफी सिंपल सा पार्ट, इतना ज्यादा हाई पार्ट नहीं, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये बच्चा ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं। तो बच्चे इसको जरा नोट डाउन कर लो। तो आप क्या, अभी आप, अभी आप क्या लिखो बच्चे, लिखोगे
बहुत सिंपल है कि जब मैंने ग्लूकोज को हाइड्रोक्साइमाइन किया तो क्या बना, ये आपका ऑक्सैम बना, और जब मैंने हाइड्रोजन साइड क्या बना, यस सर, आपको कार्बोहाइड्रेट बना। इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला ग्लूकोज में कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज ये ग्रुप प्रेजेंट है आपको। सबको समझ आया बच्चों? यस सर, यस सर, तो बच्चों इसको ना यस डूडल, सर, तो बच्चों साहब इसको आराम से डूडल, कर लिया। बहुत सही। अरमान, आदित्य, सबको आ रहा है बच्चों समझ में? आदित्य आ रहा है ना? यस सर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी नीचे जाते हैं, अभी हम इसको और नीचे जाते हैं। देखो बच्चों, हमने पहले ये पढ़ा था, बस फिर तो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, मैं खाली समझा रहा हूँ हम कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज से, बच्चों ग्लूकोज आपका टोलरेंस रिएजेंट और आपका स्वेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस करता है, तो क्या बनता है बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड से क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों, ग्लूकोज से क्या बना, बना ग्लूकोज से क्या बना बच्चों, ये बना आपका ग्लूकोनिक एसिड। सेम वो बच्चों, जब मैंने यहाँ पे कॉप फिलिंग सॉल्यूशन डाला तो क्या बना बच्चों, आगे यहाँ पर आपका ग्लूकोनिक एसिड बना, तो ये भी आपको रूट करना। बिल्कुल ये वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है कि हम अगर मैं टोलरेंस रीजन डालता हूँ या मैं फिलिंग सॉल्यूशन डालता हूँ तो मैं क्या बनता है, तो क्या बनता है बच्चों, मेरा वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो इससे भी आपको काफी पार्ट हेल्प हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया सबको? अच्छे से आ रहा है ना? डन, बहुत सिंपल पार्ट है। यस सर, ओके, अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगेन वो सेम पढ़े हमें बोला गया, दो सेम पढ़ बच्चों यहाँ बोला गया। इसको क्या बोला गया, सेम वे में अगर मैं ब्रोमीन वाटर यूज करता हूं तो क्या है बच्चों, लिखा है ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज बाय 6 कार्बन कार्बोनिक एसिड, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, विच इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? इससे क्या पता बच्चों, पता चलता है कि आप ये बोलोगे ग्लूकोज में क्या बच्चों, ग्लूकोज में आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप, कैसे बच्चों, आपका एल्डिहाइड ग्रुप पता चलता है कि जब मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो क्या पता बच्चों, पता चला ये आपका ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो गया। इस समय यह पता चलता है कि ग्लूकोज में आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, क्या बच्चों वहां पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सबको ये पार्ट समझ आ रहा है बच्चों? आ रहा है कि हम कैसे पार्ट कर रहे हैं यार पार्ट? इजी, यस सर, ये आपका पहला वाला पार्ट है। अब बच्चों तो दूसरा पार्ट क्या लिखा गया, अब बोला गया एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने क्या बच्चों, हमने यहाँ पे ग्लूकोज एसिटाइल किया, तो बच्चों अगेन मैं आपको अगेन पूरा मैं आपको समझाता हूँ कसम करते। देखो ऊपर आपका एल्डिहाइड है आपका, है यहाँ पे आपको ओएच है, एच है, मैं अभी के लिए सारा आपको ओएच को राइट साइड लिख रहा हूँ सिंपल सिंपल करने के लिए। यहाँ पे ओएच है, एच है, ओएच है, एच है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो क्या बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज है, अब क्या हुआ बच्चों, मैंने यहाँ पे डाला एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, आप बोलो ये होता है CH3 C डबल बंडो O C डबल बंडो CH3, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब क्या बच्चों का अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये ऐसे कुछ बनेगा, ये नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब बच्चों जितना भी यहाँ पे अल्कोहल है उसमें क्या बच्चों का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, सब में नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये जो आपका COCH3 ग्रुप है वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, जाएगा ये आपका जाएगा सारे O माइनस के पास जाएगा, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिड। क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिडेट फॉर्म करेगा। इससे हमें क्या पता चला बच्चों, इससे हमें ये पता चला ग्लूकोस में क्या बच्चों, ग्लूकोस में आपका 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितना बच्चों,
ग्लूकोज में आपका 5 OH भी प्रेजेंट है, और कैसे बच्चों, सारा OH अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा गया है, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप एंड इट इज स्टेबल कंपाउंड एंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू द डिफरेंट कार्बन एटम्स। ये आपका अलग अलग कार्बन से बना, क्योंकि तभी तो ये आपका पेंटा एसिटेट बना रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे ये पार्ट समझ में, यहाँ पे ये पार्ट आपका समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है और 5 OH पर पेंटासिड बन रहा है और सारे ऑक्सीजन जो सारे OH है वो आपके अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। ये पार्ट हमने देख लिया। तो बच्चों सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जरा ज्यादा लंबा मत लिखिए बिकॉज आपको हेल्प हो काम करने की। रश्मि राणा समझ पा रहा है? अंकुश शुभम बहुत बढ़िया, ऐसा बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहने का तो मुझे भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, जरा प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू मोहित। ओके तो मैं समझ सब नोट डाउन कर लिया। यस सर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है? बच्चों समझने वाली बात यह है कि जब मैं ग्लूकोज में डालता हूँ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 डालता हूँ तो क्या होता बच्चों, ये आपका दोनों दैट इज आपका एल्डिहाइड ग्रुप को और ये आपका इस ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना बच्चों, बनाता है ये आपका सैकरिक एसिड बनाता है। सेम बच्चों जब मैंने यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड दिया तो बच्चों ग्लूकोनिक एसिड में क्या था बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये भी क्या हो रहा बच्चों, हो रहा है ये भी आपका एसिड में चेंज हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है देखो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाई कार्बो एसिड दैट इज सैकरिक एसिड। तो हमें यह पता चला कि एल्डिहाइड तो हुआ हुआ लेकिन जो नीचे जो आपका प्राइमरी अल्कोहल था, जैसे देखो बच्चों ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या बच्चों, वो भी आपका ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या लिखा बच्चों, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो आप क्या बोलोगे, जब मैंने HNO3 डाला तो आपको पता क्या चला बच्चों ग्लूकोज के अंदर, हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में आपके एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है, ये हमें नाइट्रिक एसिड डालने से पता चला। तो क्या बना बच्चों, ये आपका ग्लूकोज से बना रहा है, ये आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज से क्या बना बच्चों, ये आपका बना सैकरिक एसिड बना। सेम वे में आपका ग्लूकोनिक एसिड भी सैकरिक एसिड बना रहा है, सैचरिक एसिड, इसका नाम भी पता नहीं कैसे ऐसा नाम है, सैकरिक सैचरिक में अलग अलग बोल देता हूँ तो मैं थोड़ा सा वर्ड फंबल हो जाता है लेकिन सारे बस ध्यान समझना ठीक है ना। कोई फैकल्टी इसको सैकरिक बोलता है, कोई सैचरिक बोलता है, तो अलग अलग है। सच्चा एसिड हो सकता है, सच्चा एसिड बोल सकते हो, ये पढ़ने में इजी रहेगा कि ग्लूकोज में अगर मैंने HNO3 डाल दिया बनेगा या आपका सच्चा एसिड बनेगा और ये आपका प्राइमरी ग्लूकोज में पता चलता है। हाँ याद कर सकते हैं, तो अभी आपने इसको हेल्प किया। तो सर कॉमेडी पे करके आप निकल जाओगे। तो सारे बच्चे इसको भी जरा प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेंगे। शुभम यस यस सर, आर्यन यस सर, अंशुमन, अरमान,
शर्मा, अतुल, संदीप, आयुष कुमार, दीवान सलमान, ढूंढो करो ना, जसिका हो रहा है आपका? यस सर। काव्यांजलि, तो सारे अच्छे समझ लिए, ठीक है ना? तो ये पाठ हमारा हो गया। तो बच्चों अभी हम देखते हैं, अभी हमने क्या क्या पाठ पढ़ा, इतना है ना? हाँ बस इतना ही बचा, और कुछ बचा नहीं। तो आप क्या बोलोगे, जैसे आपने इसको अच्छा से ट्रीट किया तो क्या बना, ये आपका एन हेक्सेन बना, राइट? जब मैंने NH2O तो क्या बना बच्चों, ये आपका एक एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन बना रहा है, इन्वर्टेड बाय केशन। हाँ सच्चा ऐसे तो हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों, हुआ जैसे मैंने एसिड डाला तो क्या बना बच्चों, ये आपका साइनोहाइड्रिन बना रहा है। फिर मैं क्या बच्चों, जैसे मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर तो क्या बना बच्चों, क्या बना ब्रोमीन वाटर पे, आप बोलोगे ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। अब बच्चों जब मैंने डाला HNO3 तब क्या बना बच्चों, तभी आपका सैचुरिक एसिड, सच्चा क्या बना, सच्चा एसिड बना, सच्चा एसिड बना, तो ये आपका सैचुरिक एसिड बन गया। इस समय क्या पता चला कि इसका लॉन्ग चेन बन रहा है, ऑक्सीजन बना, देखो इन दोनों से पता चला कि भाई साहब के पास कार्बोनिक पार्ट है, कार्बोनिक ग्रुप है। ब्रोमीन से पता चला कि आपको इसमें आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना? और हाँ, जब मैंने इसको एसिटिक एनहाइड्रेट से डाला तो क्या बना बच्चों, ये आपका पेंटा एसिड बना। इससे पता चला कि इसमें आपका ग्लूकोज में आपके पास 5 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो भी आपके डिफरेंट कार्बन एटम पे, है ना? अब ग्लूकोज से ये पता चला कि ग्लूकोज में आपके प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, हो गया। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी में रिवाइज करना है, आपको ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो अभी हम भी करेंगे, अभी हमें कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। तो कैसे हो, जरा पढ़िए इसको जरा। Glucose is a stable compound and does not undergo dehydration easily. It indicates that not more than one hydroxyl group is bonded to a single carbon atom. Thus, the 5 hydroxyl groups are attached to 5 different carbon atom and 6th carbon is an aldehyde group. Okay, तो बच्चों ये पूरा हमने क्या सीखा बच्चों, ये आपका पूरा हो गया summary कि जो हमने अभी तक पढ़ा, ये पूरा आपका summarize हो गया। अब बच्चे देखो अगर सारे बच्चे समझ गए हैं तो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? ये बच्चा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे कौन देगा, कौन देगा? मोहित, मोहित इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका, जिससे क्वेश्चन पढ़ी जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? ऑप्शन पढ़िए जरा बच्चा प्लीज। ऑप्शंस, इट इज एन एल्डोहेक्सोज, on heating with HI it forms n hexane, it is present in furanose form, it does not give 2,4-DNP test. Okay, to bachcha kya answer aayega iska batai zara. And maine bachcha ek poll bhi launch kar diya hai, aap wahan pe answer de sakte hain aur iska answer batayenge Mohit. Sir, wo nahi ja pata kya, ha bolo bachcha क्या बोला बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, तो क्या बोला बच्चों, यहां बोला गया विच इज नॉट, कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू नहीं है? हाँ मोहित आप क्या बोल रहे थे बताइए जरा। ओके सर, कितने वोट हो गए अब तक और सही कितने हैं? सही एक अभी तक, एक बच्चे ने सही आंसर दिया। टोटल कितने आ गए? सर मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, पर मैंने कर दिया एक। सर मैं भी दो ऑप्शन में, सिर्फ दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज है। मैं भी दो में कंफ्यूज हूँ, पर मैंने कर दिया। ओके ओके, 13 बच्चे लोग ने वोट डाल दिया अभी तक।
ओके अगले चार में कितने ठीक हुए? कितने सर? टोटल बताओ। छह बच्चों का सही है अभी तक। चल बच्चे कमाल। ओके सही। लास्ट वन मिनट, लास्ट वन मिनट। पक्का वन मिनट? हाँ वन मिनट, इससे ज्यादा नहीं। सर आप 20 सेकंड में वन मिनट खत्म कर देते हो। नहीं एक मिनट हो गया, एक पूरा एक मिनट बस, पक्का एक मिनट। ठीक है ओके। वोट आ रहा है बच्चे लोग का, बढ़िया बढ़िया सही है। अभी 11 बच्चे लोग का सही है, क्या बात है। बहुत सही। तो बच्चों हमारा वन मिनट हो गया, मैं यहाँ पे पोर्ट को एंड कर रहा हूँ। ठीक है चलो ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे पोल को एंड कर दिया है। अब देख बच्चों, दो बच्चों ने बोला है ऑप्शन ए, ये तो बच्चा सही स्टेटमेंट है ना कि या इसमें ये आपका एल्डोहेक्सोस, ये तो सही ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन भी तो सही है, दूसरा भी सही है। तो हमने पढ़ा दो बच्चों यहाँ पे भी सही है। यस सर। देखो ये दोनों सही है। अब बच्चों देखो मेन बात क्या है, यहाँ बोला गया इट इज प्रेजेंट फ्यूरोनाउस रिंग, फ्यूरोसोम। तो बच्चे क्या पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे ना साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या बच्चों, ग्लूकोज में ना पायरनोस रिंग होता है, PY पायरन। तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, ये आपका गलत है। अब देखो बच्चों लिखा है इट डज नॉट गिव, तो होता है यहाँ पे तो बोल भी दिया है कि ये डज नॉट दे रहा है, मतलब कि तो सही, ये आपका गलत है। और हमने ग्लूकोज में जैसे पढ़ा है, हमने 2,4 के बारे तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो हम इसके बारे में देखेंगे ही नहीं। यस सर। तभी हम कंफ्यूज द ऑप्शन, तो मेरा सही हो गया। तो आप क्या बोलोगे, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है उनका सही आंसर है। सर सही था, मेरा भी, मेरा भी सही था, सही था। तो आप क्या बोलो बच्चों, इट गिव्स डीएनपीटी देता है वो बच्चा। तो बच्चों जब भी ना आपको ना नाइट्रो दो, सिंपल से यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, इतना आपको ध्यान रखना है बस, तो हो जाएगा पार्ट। सर ये फर्नोस फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म देता है? पायरोनोस। पायर अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम उसकी जस्ट अभी पढ़ेंगे, दो मिनट अभी हम पढ़ने वाले। मैंने तो सोचा है फिशर फॉर्म ही होता था, मैंने फर्नोस गलत कर दिया। हाँ ओके डोंट वरी, अभी हम उसे देखेंगे ठीक है ना। ओके अब बच्चा ये दूसरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखो बच्चा ये आप सोचा छोड़ो, आप वो स्पेलिंग लिखो यहाँ पे फर्नोस वाले की, फर्नोस का जो फ्यूरनस PYRONOSE अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी ठीक है ना, डोंट वरी ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपका JW 2022 का। अब बच्चा एक पेपर में है ना क्या हुआ था, मतलब कि 23 पेपर में ये दोनों आपका रिपीट हो गया था, मतलब कि 22 का रिपीट हो गया था, पार्शियल रिपीट हो गया था। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि अगर मैं ग्लूकोज में क्या लाता बच्चों, अच्छा तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका एनहेक्सेन, एक्सेन बनेगा एनहेक्सेन। अगर मैं ब्रोमीन वाटर दूं क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या बनेगा बच्चों, आप बोलो ग्लूकोज ग्लूकोज पेंटासिड, ये डाले बोलो सच्चा एसिड, सच्चा एसिड, सच्चा एसिड, गांधी से इंस्पायर्ड भाई। ठीक है ना। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नीचे बहुत सा और भी बहुत सा क्वेश्चन है, कंसर्ट कर लिए बता दिया हुआ था जी जी सर, इसलिए मैं पोल ले रही हूँ। अब भी बच्चों अभी मैंने आपको है ना क्या बोलते हैं, जो आपका जो DL होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ, और डेक्सट्रोलिवो के बारे में बताता हूँ ठीक है, ध्यान समझना होता क्या है, फर्क क्या मैं बता। देखो एक होता है डी फॉर्म, एक होता है एल फॉर्म,
तो अब पता किसका करना बच्चों, अगर आपका एलडी, अगर आप कार्बोहाइड में क्या बच्चों, ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे आपका सी एच टू ओ एच ग्रुप है, अल्कोहल है, ठीक है ना। ओ एच अगर राइट साइड में है और एच यहाँ पे है ना। अगेन बच्चों सेम कंडीशन ले लेता हूँ मैं, यह आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे आपका एच है। तो बच्चों ध्यान आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब आपको फर्स्ट कार्बन पे आपका एल्डिहाइड होना चाहिए, सेकंड पे आपका अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तब क्या बचोगा, अगर आपका लास्ट वाला जो पार्ट है मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल पहला कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल के जस्ट फर्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन बोलेंगे, अगर ओएच का है बच्चों राइट साइड में है, अगर आपको ओएच राइट साइड में है तो क्या बचोगा, उसे बोलेंगे डी फॉर्म, हम उसे डी फॉर्म कहेंगे। अगर ओएच राइट साइड में तो आप उसे हम एल फॉर्म कहेंगे, हम उसे एल फॉर्म कहेंगे। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों कि डी कब होगा और एल कब होगा? यस सर, यस सर, यस। अब बच्चों और एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, एक हम बोलते हैं लेवो। डेक्स्ट्रो को हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसको प्लस से करते हैं, लेवो को माइनस से करते हैं। ये हमें कैसे पता चला बच्चों, ये हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंट, कैसे पता चला बच्चों, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, हम इसे थियोरेटिकली पता नहीं कर सकते। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलारीमीटर। क्या बच्चों है? पोलारीमीटर। क्या होता बच्चों, हम ग्लूकोज को डालते हैं पोलारीमीटर के अंदर और उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें पास करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। अगर उस ग्लूकोज ने प्लेन पोलराइज्ड को राइट साइड रोटेट कर दिया, कहाँ क्या बच्चों, अगर उसने राइट साइड को रोटेट कर दिया, उसने लाइट को रोटेट कर दिया, तो वो होगा आपका होगा डेक्स्ट्रो। अगर उस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड कर दिया लेफ्ट साइड रोटेट, तो हम क्या बोलेंगे उससे बोलेंगे लेवो। इतना पसंद आया बच्चों सबको अच्छे से? डेक्स्ट्रो और लेवो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, हम इसको पोलारीमीटर में यूज डाल के पता करते हैं, हम पास करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका राइट साइड हो गया तो हम उसे बोले डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट साइड में हो गया तो हम इसे बोले लेवो। तो बच्चों जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप इसका एक्सपेरिमेंट लाइव करोगे, आप सारे बच्चे, ये आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट है। और जो रूम बच्चों एकदम डार्क रूम में आप ये करोगे तो आपको लाइट, आपको दिखेगा कि लाइट आपका राइट साइड रोटेट हो रहा है, आपको पता चलेगा, आप अपने आंखों से देखोगे। सबको समझ आ रहा है बच्चों ये पार्ट में क्या बोला मैंने आपको? यस सर। और बच्चा ये कब होगा बच्चों का? जब आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, मतलब कि बच्चों उसमें आपका कायरल सेंटर होना चाहिए, मतलब कि कार्बन पे सारे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, कार्बन में आपके सारे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। सबको ये पार्ट समझ आया बच्चों जैसा मैं पार्ट कर रहे हैं? यस सर, यस बिल्कुल सर। ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हम एक्सपोनेंशियल पर बाद में करेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे अभी हमें ना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। तनिका हाँ तनिका ऑफ कर, थैंक यू तनिका। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्रुप पढ़ेंगे। एंड सारे बच्चे ये लास्ट को 10 मिनट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लें कि हम स्ट्रक्चर बना कैसे रहे, बिकॉज अगर ये नहीं आएगा तो आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ध्यान समझ लें। तो बच्चों ये कुछ थ्योरी पार्ट है, यहाँ पर आपको देखो दो बच्चों लिखा गया, तो क्या लिखा बच्चों, लिखा गया पहले पॉइंट में, डिस्पाइट हैविंग द
एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फर एडिशन फॉर बाय द NaHSO3- सल्फर. ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं, तो खाली इसको नोट डाउन करना है. दूसरा पढ़ लिखा बच्चों, लिखा गया द पेंटा एसिटेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन. इससे हमें क्या पता बच्चों, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CH ग्रुप. ये आपका फ्री CH ग्रुप, एब्सेंस ऑफ फ्री CH ग्रुप बोला गया है. ये खाली ध्यान रखना, अभी आपको ध्यान रखना है. फिर होता क्या बच्चों, बेसिकली ग्लूकोज आपका दो फॉर्म मिलता है, एक होता बीटा ग्लूकोज, एक होता अल्फा ग्लूकोज, एक होता आपका बीटा ग्लूकोज. तो बच्चों जो आपका अल्फा ग्लूकोज है उसका मल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, और बच्चों जो आपका बीटा फॉर्म उससे कितना बच्चों, उसका है आपका 423 केल्विन. तो खाली इसका ये फॉर्म को ध्यान रखना, खाली इसका बच्चों ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट है इसको आप ध्यान रखना. और अब ये खाली ध्यान रखना, ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है बीटा फॉर्म, दोनों आपका क्रिस्टलाइन नेचर में प्रेजेंट होता है. समझ में आया बच्चों सबको अच्छे से ये पार्ट? यस यस यस. ओके, तो अगेन बोलो बच्चों, पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको पॉइंट टिक कराया खाली उस पर आप ध्यान दीजिए बस, ज्यादा कुछ है तो आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें अच्छे से रहेगा वो. अब देख बच्चों, अभी मैं आपको ना इसके साइक्लिक फॉर्म के बारे में बता दूंगा, मैं इसका भी साइक्लिक फॉर्म के बताऊंगा, है ना. अभी केशव पूछ रहे थे कैसा टाइप का रिंग बनता बच्चों को, इससे बोलते हैं क्या बोलते बच्चों, इससे बोलते हैं ये होता है आपका होता है पायरनोज स्ट्रक्चर, ये आपका पायरनोज स्ट्रक्चर होता है, बोलते हैं कि बच्चों बिकॉज ये आपका 6 मेंबर का रिंग बनाता है. तो ये आपका 6 कार्बन का रिंग बनता है, इसलिए हम इसे पायर्स कहते हैं. अब देखो अगर आपको एग्जाम बोलेंगे आपको बनाना है, आपको बोलेंगे ये बनाओ, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा. तो बच्चों ये आपको बनाना पड़ेगा. अब बच्चों कैसे को ध्यान समझ में कैसे बता रहा हूं, देखो बच्चों कैसे को मैं बता रहा हूं, ठीक है ध्यान समझना सारे बच्चे, ध्यान समझ कैसे होगा. देखो बच्चों जैसे बच्चों देखो यहां पे आपको ये ग्रुप दिख रहा है राइट, तो मैं भी इसको एक बार लिख देता बच्चों, लिखता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, एक एच को यहाँ लिखता हूँ ठीक है ना. ये आपका पहला कार्बन है, ओ एच क्या है बच्चों, ओ एच राइट साइड में, एच यहाँ पर है, ये आपका सेकंड कार्बन है. क्या बच्चों एच राइट साइड में है, ओ एच लेफ्ट साइड में है राइट, अगेन ओ एच राइट में है, यह भाई साहब आपका एच आपका लेफ्ट साइड में, फिफ्थ कार्बन ओ एच राइट पे है, एच लेफ्ट साइड में, लास्ट में क्या बच्चों, लास्ट में आपका सी एच टू ओ एच है. क्या ये आपको क्या इतना पट आपको समझ आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा. यस सर. ओके, अब बच्चों होता क्या बच्चों, जो आपका पहला कार्बन है और जो सेकंड कार्बन, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका लिंक बनता है, यहाँ पे आपका लिंक बनता है. कैसे बने बच्चों ध्यान समझो, देखो मान के चलो मैं इस बॉन्ड को सब ब्रेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो बच्चों का, आप बोलो यहाँ पे होगा नेगेटिव और यहाँ होगा पॉजिटिव. अभी ऐसा होता नहीं, खाली आपको मैं एक्सप्लेन करने बता रहा हूँ, इज इट समझाने के लिए. यहाँ पे क्या बच्चों OH है, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव. अब बच्चों ये एच प्लस कहाँ बचेगा, बच जाएगा कहाँ बचेगा, ओ एच एच प्लस कहाँ जाएगा बच्चों, ओ नेगेटिव पास जाएगा. और आप ये बोलोगे इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पे आपका आपस में बॉन्ड बनेगा, बना बच्चा. और यहाँ पे क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका ओ एच आ जाएगा. क्या इतना पार्ट समझ आया बच्चों सबको?
हाँ है ना। अब देखो बच्चों, अभी ये बात ध्यान समझ, अब ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान समझना जो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूं। अब देखो बच्चों, देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये अब ये पांचवा कार्बन, ये आपका सिक्स कार्बन हो गया, राइट। आप ऐसे इसको देख सकते हो। तो बॉन्ड कहाँ बना बच्चों? बॉन्ड आपका पहला कार्बन और आपका फिफ्थ कार्बन बॉन्ड बना बच्चा, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड बना। तो बच्चों अभी मैं क्या मानता हूं, अभी मैं ये मानता हूं ये OH का है बच्चों, ये OH कहां पे होगा, ये मान के चलो ये आपका OH होगा इस साइड पे, मतलब कि आपका राइट साइड पे क्या बच्चों OH है, क्या बच्चों आपका OH कहां पे आ रहा है, ये आपका राइट साइड पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है OH कहां पे आ रहा है, राइट साइड पे, राइट साइड OH। अभी मान, अभी इसको मानो, अभी हम क्या बना बच्चों, बना हम यहाँ पे अल्फा डीके बना रहे हैं। तो पहले क्या ना बच्चों, देखो करना क्या, देखो पहले हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, जिसमें क्या बच्चों होगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन का कार्बन बॉन्ड होगा। वो कैसे बने बच्चों, वो आप कैसे बनाए, देखो बनेंगे ऐसा लाइन पढ़ा, ऐसा हमने क्लिक किया, ऐसा हमने लाइन ड्रॉ किया, ऐसा हमने लाइन ड्रॉ किया, ये बनाया, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया ये पार्ट, ठीक है। देखो क्या बना बच्चों, हमने यहाँ पे सिक्स मेंबर, क्या बना बच्चों, हमने यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनाया, क्या बना बच्चों, हमने यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनाया, डन। इतना समझ आया बच्चों सब कुछ ऐसे, हाँ या ना? यस सर। देखो बच्चों हमने यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनाया। अब बच्चों तो अभी आपको करने के, मैं ध्यान समझो बता रहा हूँ, ध्यान समझ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बच्चों ये बॉन्ड बन गया, तो ये इस कार्बन का और इसका बॉन्ड बोल दो। अब देखो अभी आपको यहां से चेक करना है, इस वाले से आपको चेक करना है। अब बच्चों जो आपका सेकंड कार्बन है OH कहां पर है बच्चों, OH कहां पर है, राइट साइड में है ना, राइट साइड। अगर OH राइट साइड में, तो आप क्या बना बच्चों बनोगे, आप इसको OH को बनाओगे नीचे साइड, नीचे और ऊपर, ऊपर आएगा एच, राइट साइड में, तो क्या बचोगा OH नीचे और एच ऊपर होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो दिखा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, दिख रहा है आपको सबको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देखो बच्चों, देखो बता, देखो अगेन बता, ध्यान समझो, ये मैंने इससे कर दिया। अब बच्चों का थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन क्या बच्चों आपका एच कहाँ पर है, एच आपका है राइट साइड में, तो क्या बच्चों का डाउन होगा, OH के लेफ्ट साइड में, तो ओ अप होगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो H और यहाँ पे लिखो OH। अब इसके बाद इसको देखो बच्चों, इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ क्या बच्चों OH राइट साइड में, H यहाँ पे, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपके क्या होगा, OH नीचे H ऊपर, H ऊपर, फिर क्या बच्चों का अगेन ये पार्ट होगा आपके बच्चों, ये बच्चा है ना, ये वाला बच्चा, राइट बच्चा, हाँ या ना? यस सर। तो अगेन बॉन्ड बना बच्चों, बॉन्ड बनाओगे कैसे बनाओ बच्चों, बनाओगे जो राइट साइड में आपको डाउन होगा, जो राइट साइड में ऊपर, जो राइट साइड में होगा वो डाउन आएगा, जो लेफ्ट साइड में आपका अप जाएगा वो आपका अपसेट जाएगा। फिर क्या बच्चों, दो लास्ट में क्या बच्चोगा, लास्ट में आपका ये पार्ट होगा, तो क्या बच्चों देखो, ये आपका सी एस टू है, ये आपका अप जाएगा, सी एस टू OH अप जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा डाउन जाएगा, ऐसे बच्चों आपको बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान समझो मैं कैसे बता, ध्यान समझो मैं कैसे बता, ठीक है ना। अब देखो अभी आप ये स्ट्रक्चर को, अभी आप ये स्ट्रक्चर को देखिए और आप ये स्ट्रक्चर देखिए, कौन सा पार्ट बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिख रहे हैं आपको, सबको दिख रहा होगा ये पार्ट, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहे, सबको दिख रहा सारे बच्चे, यस सर, यस सर, यस सर।
देखो बच्चों, देखो मैं अगेन सर, देखो जो बच्चों, आपने डायग्राम बनाई है उसमें एक जगह आपने लिखा नहीं एच और ओ एच वगैरह। हाँ तो वो मिस हो गया, तो यहाँ पे ओके, हाँ वो मिस हो गया, राइट। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ पे अभी प्रॉपरली देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, देखो ये रहा पहला कार्बन, राइट। ओ एच कहाँ पे बच्चों, ओ एच कहाँ पे है, राइट साइड में है। हाँ जी सर, जैसिका, शुभम, सारे बच्चे ध्यान समझो, ओ एच कहाँ है बच्चों, ओ एच यस राइट साइड, राइट साइड में है। राइट साइड। तो क्या बच्चों कहाँ पे आएगा, ये आएगा डाउन में चला गया। एच क्या बच्चों, लेफ्ट साइड में, तो क्या जगह, ये आपका अप में जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। यस अब सर, देखो, अब देखो बिल्कुल सेकंड, सर। अब तो वहां पे क्या बच्चों, अगेन ओ एच राइट साइड में, तो क्या बच्चों ओ एच कहाँ पे आएगा, ये अगेन डाउन में आएगा, और एच लेफ्ट साइड में, तो ये आपका अप में जाएगा, अप आ गया। थर्ड में तो बच गया, देखो एच आपका राइट साइड में है, तो ये आपका एच डाउन में जाएगा, ओ एच लेफ्ट साइड में, तो ये आपका अप में जाएगा। फोर्थ में क्या बच्चों, देखो ओ एच राइट में, तो डाउन में गया, एच लेफ्ट साइड में, तो ये आपका अप में गया। अब क्या बचा बच्चों, देखो अभी आपका ये एच बचा और ये आपका सी एच टू एच बचा। एच कहाँ है बच्चों, एच कहाँ पर है इस साइड में, तो क्या आप क्या करोगे, सी एच टू ओ एच को ऊपर लिखोगे और एच को आप नीचे लिखोगे, तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ऐसे बच्चा आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझना पड़ेगा। यस सर, देखो बच्चों, देखो यस सर, यस सर। सारे बच्चे ध्यान समझो, जैसे इसकी दो बच्चों इसकी बात कर, देखो जैसे आपके क्या, देखो बच्चों बीटा डी ग्लूकोस वाला पार्ट है, और ये क्या बच्चों, देखो ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोस वाला पार्ट है। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखो देखिए, देखो अगेन फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन क्या बना बच्चों, क्या बना, बॉन्ड बना। अब देखो यहाँ पे ओ एच कहाँ पे है बच्चों, लेफ्ट साइड में, हाँ है ना, सारे बच्चे बोलिए जरा, ओ एच लेफ्ट यस साइड में, सर, तो साइक्लिक सिस्टम में क्या बने बच्चों, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर लेफ्ट में ओ है एच ऊपर, ऊपर ऊपर जाएगा, देखो अगेन बोल रहे बच्चों, अगर लेफ्ट में है तो अप जाएगा, अगर राइट में है तो वो आपका डाउन डाउन में जाएगा, डाउन ये ध्यान रखना। डाउन चाहिए। ओ एच लेफ्ट में है तो ये आपका अप में गया। एच क्या है बच्चों, देखो एच आपका है राइट साइड में, देखो अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, एच राइट साइड में, तो ये आपका नीचे चला गया। अब देखो बच्चों, जो आपका सेम कार्बन है वहां क्या बच्चों, वो आपको ओ एच राइट में है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका डाउन में जाएगा, एच लेफ्ट साइड में, तो ये आपका अप में जाएगा। क्या सारे बच्चों समझ में आ रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं बच्चों, इजी है ना ये पार्ट अभी। यस सर, यस यस सर, अब देखो ये, अब देखो ये थर्ड वाला पार्ट, थर्ड में जब आपका एच राइट में तो डाउन में जाएगा, तो थर्ड में आपका डाउन में है, ठीक है। वो क्या है बच्चों, राइट लेफ्ट में, तो लेफ्ट ये आपका अप में जाएगा, तो ये अप में जाएगा। फिफ्थ फोर्थ में बच्चों, ओ एच राइट में, तो ये डाउन में गया, लेफ्ट में तो ऊपर गया। अब क्या बच्चा बचा, ये आपका दो, या भी आपका ये एच बचा और ये आपका सी एच टू ओ एच बचा, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या रखोगे, सी एच टू एच को ऊपर हुए और एच को आप नीचे रखोगे, तो क्या होगा बच्चों, ये आपने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, हम ये साइक्लिक फॉर्म हमने कैसे बनाया, क्या सबको समझ में आया बच्चों के सर, साइक्लिक फॉर्म कैसे बना रहे लेकिन इसमें सी हैं। एच टू ओ एच यस ऊपर क्यों लिखा सर, क्या बच्चों क्या बोला आपने, सर बीटा डी वाले में आपने सी एच टू ओ एच को ऊपर क्यों लिखा, इसमें तो एच आर है लेफ्ट में। कहां पर बच्चे, देखो सब सही तो है, तो जो सबसे आपने ऊपर लास्ट लिखा है, बोल रहे हैं सबसे लास्ट में क्या लास्ट हो में गया, लगा था। हाँ अभी ये जी, इसमें पार्ट सी एच टू ओ एच वाला ऊपर क्यों लिखा, बस ये पूछ रहा हूँ मैं, नीचे क्यों नहीं है। नहीं, नीचे नहीं आएगा बच्चों, ये आपका रूल है, ये आपको इसको ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप लिखोगे ना इस वाले पुट का ऊपर लिखोगे, है ना, इस वाले पार्ट का ऊपर लिखोगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, हम इस वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे। ऐसा क्यों बच्चा, रीजंस तो है, लेकिन मैं अब बेसिकली बात करूँ बच्चों, देखो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं, ये बेसिक इसका ये स्ट्रक्चर भी नहीं होता,
इसका जो एक्चुअल शेप कैसे होता है बच्चों, कैसे होता है, ये आपका ऐसा स्विच होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा स्विच होता है इसका होता है एक्चुअली में। लेकिन आप पढ़ते क्या बच्चों, आप पढ़ते हो ऐसा वाला पार्ट। तो होता क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस पार्ट में क्या बच्चों होगा, जो आपका बल्कि ग्रुप होगा है ना, जो आपका बड़ा ग्रुप होगा बच्चों, वो हमेशा आपका इक्विटोरियल पोजिशन पे आता है। ऐसा हम इसको देखते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है बच्चों, इसलिए मैंने कराया नहीं आपको, बिकॉज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है ग्लूकोज का। तो ये वाला पार्ट कर तो आपको थोड़ा और लगेगा, इसलिए जो टेक्स्ट बुक में खाली आपको मैं वो करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन बता रहा। अब देख बच्चों, अगर आप अगर बच्चों अगर अगर आप है ना अल्फा और बीटा में कुछ फर्क देखोगे, तो अल्फा बीटा फर्क क्या बच्चे देखो, अल्फा बीटा फर्क क्या बच्चे देखो, कि जो पहला कार्बन है ना, जो आपका C1 कार्बन है बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका अल्फा में OH राइट में आ रहा है, बीटा में OH लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब बच्चों बाकी पूरा पार्ट सेम है ना, तो बच्चों जहां पे आपका उस पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, हम उससे क्या बोलते बच्चों, हम उससे बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। तो क्या जो क्या लिखा बच्चों, देखो पूरा पार्ट सेम है, खाली आपका पहले कार्बन में, जो पहला कार्बन वहां पर OH राइट साइड में, एक में लेफ्ट साइड में। तो क्या लिखा बच्चों, देखो द टू साइक्लिक हेमिएसिटाल फॉर्म ग्लूकोज डिफर ओनली कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन, इट इज कॉल्ड द एनोमरिक कार्बन। तो क्या बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आपका एनोमरिक कार्बन में कहेंगे। तो अगर आपको एग्जाम पूछते आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका अल्फा ग्लूकोज है और जो बीटा ग्लूकोज बच्चों, दोनों में जो पहले कार्बन में, पहले कार्बन में आपका OH राइट साइड में आ रहा है और एक में आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो उस पोजीशन में क्या बच्चों, आपका OH अलग हो जा रहा है, बाकी सबका स्ट्रक्चर सेम आ रहा है। तो वो क्या बच्चों, उसे हम आपका एनोमरिक कार्बन कहेंगे। अभी आपको समझ में आया बच्चों कि हम ये पार्ट कैसे पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सारे बच्चे? यस सर। और हाँ बच्चों, अगेन बोलूंगा आज का होमवर्क क्या होगा, आज का होमवर्क क्या होगा बच्चों, कि आपको है ना ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको ड्रॉ करके खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये पार्ट आ जाएगा बच्चों, पूरा पार्ट जितने बच्चों जितने भी स्ट्रक्चर बच्चों सेम वैसा ही है, सारे पार्ट देखो बच्चों सेम वैसा ही पार्ट है, पूरा पार्ट आपका सेम ही आ रहा है, देखो पूरा पार्ट आपका सेम है, ठीक है ना। राइट में तो डाउन है, लेफ्ट में तो ऊपर है, इतना ही बच्चा आ रहा है बस और कुछ नहीं। तो इसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पूरा पार्ट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो सब में, देखो सब में बच्चों यही पार्ट, देखो सब में आपका ऐसे हो रहा है, दिख रहा है सब में आपका ऐसे हो रहा है, ओके ऐसा बोल। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आपको इसको समझना है, ठीक है सर बच्चे? यस सर। यस सर। बच्चों का बच्चों से मजा आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? यस सर। ओके तो बच्चों इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, साइक्लिक फॉर्म को अच्छे से, और आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करना, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे ग्रुप मैसेज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस, मैं आपको अगेन ड्रॉ करके बताऊंगा आप इसको कैसे बनाओगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye sir, good night, thank you. Bye.